हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आपके यूट्यूब चैनल के वीडियोज पर 4-5 व्यूज आता है, मेरे कहने का मतलब 10-15 व्यूज आता है, 20-25 व्यूज आता है, फिर व्यूज आना बंद हो जाता है, वीडियो रुक जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होने का मतलब है कि आपका यूट्यूब चैनल अब फ्रीज हो चुका है। तो कोई भी यूट्यूब चैनल फ्रीज क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है, आप अपने यूट्यूब चैनल पे क्या गलतियां करते हैं जिस कारण आपका YouTube चैनल फ्रीज हो जाता है, तो आगे इस वीडियो में हम इसके बारे में फुल डिटेल में जानेंगे कि कोई भी YouTube चैनल फ्रीज क्यों होता है और यदि फ्रीज हो जाता है तो उसे हम कैसे अनफ्रीज कर पाएंगे। तो इसे अच्छी तरह समझने के लिए आपको इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना पड़ेगा और बिना स्किप किए हुए वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा, तभी आप इसे अच्छी तरह समझ पाएंगे, देन अपने यूट्यूब चैनल पे अप्लाई कर पाएंगे और फिर से आपके YouTube चैनल पे व्यूज आना शुरू हो जाएगा, व्यूज इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। आगे जो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और जो चैनल में नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब वीडियो को करते हैं शुरू। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं इस वीडियो को दो पार्ट में कवर करूंगा। तो फर्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि आपका यूट्यूब चैनल फ्रीज क्यों हो जाता है, आप अपने YouTube चैनल पे क्या गलतियां करते हैं जिस वजह से आपका YouTube चैनल फ्रीज हो जाता है, आपके YouTube चैनल पे व्यूज आना बंद हो जाता है। और सेकेंड पार्ट में बताऊंगा कि यदि आपका YouTube चैनल फ्रीज हो गया है तो उसे आप कैसे अनफ्रीज कर पाएंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो फर्स्ट में है चैनल कैटेगरी। आप अपने यूट्यूब चैनल के कैटेगरी को बार बार चेंज करते हैं, कई बार चेंज करते हैं, व्यूज नहीं आता है, फिर आप सोचते हैं कैटेगरी चेंज कर दें, फिर आप अपने YouTube चैनल का कैटेगरी ही चेंज कर देते हैं। तो इससे होता यह है कि आपका YouTube चैनल का जो कैटेगरी है तो आपके YouTube चैनल पे जो ऑडियंस आते हैं कम ही आते हैं, लेकिन आपके चैनल के कैटेगरी के अनुसार ही ऑडियंस आते हैं। और जब आप अपने YouTube चैनल का कैटेगरी चेंज कर देते हैं तो जो ऑडियंस आपके YouTube चैनल पे पहले आते थे वो फिर नहीं आते हैं, फिर जब कैटेगरी आप चेंज कर देते हैं तो नए ऑडियंस आपके YouTube चैनल पे आते हैं। दैट मीन्स जब आपका YouTube चैनल ही स्टेबल नहीं है फिर ऑडियंस स्टेबल कैसे होगा। तो बार बार YouTube चैनल के कैटेगरी को चेंज करने से भी आपका चैनल फ्रीज हो सकता है, ठीक है। सेकंड में है चैनल नेम। कुछ यूट्यूबर क्या करते हैं, जब उनके यूट्यूब वीडियोज पे व्यूज नहीं आते हैं तो कुछ दिन के बाद अपने यूट्यूब चैनल का नाम ही चेंज कर देते हैं। तो इससे प्रॉब्लम ये होता है कि जब आपका यूट्यूब चैनल यूट्यूब सर्च में आने लगता है उस टाइम आप क्या करते हैं, व्यूज नहीं आने की वजह से आप अपने यूट्यूब चैनल का नाम ही चेंज कर देते हैं, फिर आपका यूट्यूब चैनल सर्च में नहीं आता है और इससे आपके यूट्यूब चैनल पे ऑडियंस बहुत कम आते हैं और आपके चैनल का गलत इंटीमेशन यूट्यूब को मिलता है और इस तरह से आपका चैनल फ्रीज हो जाता है। थर्ड में है मिक्स कॉन्टेंट। आप अपने यूट्यूब चैनल पे मिक्स कॉन्टेंट की वीडियो अपलोड करते हैं, कभी किसी कंटेंट की वीडियो अपलोड कर देते हैं, फिर कुछ दिन के बाद कुछ दूसरे कंटेंट की वीडियो अपलोड कर देते हैं। आप अपने यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो अपलोड करते हैं वो अलग अलग कंटेंट की वीडियो अपलोड करते हैं, कुछ दिन आप किसी कंटेंट की वीडियो अपलोड करते हैं, फिर जब व्यूज नहीं आता है तो आप तुरंत सोच लेते हैं कि इस तरह के कॉन्टेंट को नहीं अपलोड करके मैं कोई दूसरा कंटेंट की वीडियो अपलोड करूँ। आप यूट्यूब पे देखते हैं कि कोई वीडियो वायरल हो रहा है, कोई वीडियो ट्रेंडिंग में है और वो आपका कंटेंट नहीं है, फिर भी आप क्या करते हैं उस कंटेंट की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देते हैं। तो इससे प्रॉब्लम ये होता है कि पहले आप जिस कंटेंट की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहे थे और उस कंटेंट को देख करके जो ऑडियंस आपके चैनल पे आए हैं वो कुछ दिन आपके चैनल पे वेट करते हैं नेक्स्ट उसी कंटेंट की वीडियो के लिए, लेकिन आप क्या करते हैं दूसरे कंटेंट की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देते हैं, फिर पुराने ऑडियंस जो आपके चैनल पे पहले आते थे वो फिर आना बंद कर देते हैं और नए ऑडियंस आपको मिलते हैं, नए ऑडियंस आपके चैनल पे आते हैं। तो इस तरह से भी आपका यूट्यूब चैनल फ्रीज हो जाता है। तो आप अपने चैनल पे ये गलतियां ना करें, मिक्स कंटेंट की वीडियो अपलोड मत करें, आप एक ही कंटेंट को लेके चलिए, एक ही कंटेंट की वीडियो लगातार अपलोड कीजिए, रेगुलर अपलोड कीजिए, ठीक है। फोर्थ में है डिलीट वीडियो। कुछ यूट्यूबर क्या करते हैं, अपने चैनल पे अपलोड किए हुए वीडियो को बार बार डिलीट कर देते हैं, वीडियो अपलोड करने के बाद कुछ दिन वेट करते हैं और जब उस वीडियो पे व्यूज नहीं आता है
तो वो क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका अपनाते हैं, उस वीडियो को डिलीट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपने वीडियो को डिलीट नहीं करना है। आप वीडियो को तभी डिलीट करें जब कोई खास कारण हो। बिना वजह आप अपने YouTube चैनल पे अपलोड किए हुए वीडियो को बिल्कुल ना डिलीट करें। चाहे व्यूज कम आ रहा है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप YouTube पे देखते होंगे बहुत बड़े बड़े क्रिएटर हैं, उनके भी सभी वीडियोज पे एक जैसा व्यूज नहीं आता है। कोई वीडियो पे बहुत ज्यादा व्यूज आ जाता है और किसी वीडियो पे कम व्यूज आता है। तो इस तरह से आप जो भी वीडियो अपने YouTube चैनल पे अपलोड करते हैं उसे रहने दीजिए। जब कोई खास कारण होता है तभी आप वीडियो को डिलीट करें, नहीं तो आप अनलिस्टेड करके रख सकते हैं, प्राइवेट करके रख सकते हैं, लेकिन डिलीट बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से भी यूट्यूब चैनल फ्रीज होता है। फिफ्थ में है री अपलोड वीडियो। कई यूट्यूबर क्या करते हैं, अपने यूट्यूब चैनल पे पहले से अपलोड किए हुए वीडियो को ही दोबारा से अपलोड कर देते हैं, क्योंकि वीडियो क्रिएट करने में काफी टाइम लगता है, एडिटिंग में टाइम लगता है, फिर उसको अपलोड करने में भी टाइम लगता है। तो आसान तरीका वो समझते हैं, तो वो आसान तरीका ढूंढ लेते हैं, मोबाइल की गैलरी में पड़े हुए उसी वीडियो को दोबारा से अपलोड कर देते हैं। तो ऐसा गलती मत करें। यदि आपको उसी कंटेंट की वीडियो दोबारा अपलोड करना है तो आप उसे दोबारा क्रिएट कीजिए, दोबारा एडिट कीजिए, कुछ उसमें चेंजिंग लाइए और फिर से अपलोड कीजिए। डायरेक्ट उसी वीडियो को दोबारा अपलोड मत कीजिए, इससे भी यूट्यूब चैनल फ्रीज होता है। सिक्स्थ में है कंसिस्टेंसी। तो एक गलती मैक्सिमम यूट्यूबर करते हैं जिस वजह से उनका यूट्यूब चैनल फ्रीज हो जाता है। जितने भी यूट्यूब चैनल फ्रीज होते हैं उसमें से मैक्सिमम कंसिस्टेंसी की वजह से ही होता है। वो यूट्यूब पे रेगुलर एक्टिव नहीं रहते हैं, नहीं तो रेगुलर वीडियो अपलोड करते हैं। तो आपको अपने यूट्यूब चैनल पे कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए काम करना है। आप यदि डेली एक वीडियो अपलोड करते हैं तो डेली एक वीडियो अपलोड कीजिए। यदि आप दो दिन में एक वीडियो अपलोड करते हैं तो दो दिन में अपलोड कीजिए। यदि आप वीकली सप्ताह में एक वीडियो अपलोड करते हैं तो आप सप्ताह में एक वीडियो अपलोड कीजिए, लेकिन उससे आगे आपने गैप नहीं देना है। कई यूट्यूबर क्या करते हैं, 15 दिन में एक वीडियो अपलोड किए, फिर जाकर के 1 महीने के बाद एक वीडियो अपलोड कीजिए। तो इस तरह से नहीं चलेगा। यदि आप इस तरह से गलती करते हैं, यदि आप इस तरह से वीडियो अपलोड करते हैं, इतना ज्यादा गैप दे करके वीडियो अपलोड करते हैं, 1-2 महीने में एक वीडियो अपलोड करते हैं, तो इस तरह से आपके यूट्यूब चैनल पे जो ऑडियंस पहले आते थे वो अब नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें उस कंटेंट की वीडियो चाहिए, लेकिन आप तो अपलोड कर ही नहीं रहे हैं। तो इस तरह से भी यूट्यूब चैनल फ्रीज होता है, और इस तरह से काफी यूट्यूब चैनल फ्रीज हो रहे हैं। तो शायद अब आप समझ गए होंगे कि क्या गलती करने के कारण यूट्यूब चैनल फ्रीज होता है। तो आगे से आपने ये गलती नहीं करना है, ठीक है। तो अब आगे हम जानते हैं कि यदि आपका यूट्यूब चैनल फ्रीज हो गया है तो उसे आप अनफ्रीज कैसे कर पाएंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो अब आपने YT स्टूडियो ऐप ओपन करना है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने YT स्टूडियो ऐप ओपन कर लिया हूं। यहां नीचे आपने एनालिटिक्स को सिलेक्ट करना है और ऊपर ओवरव्यूज को सिलेक्ट रहने देना है। देन स्क्रॉल करके नीचे आइए तो यहां पे देखिए लिखा हुआ है टॉप कंटेंट, और इसके नीचे कुछ वीडियो शो हो रहे हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियो शो हो रहे हैं। यदि आप अपना YT स्टूडियो ऐप ओपन करेंगे और यहां पे आएंगे तो यहां पे आपके टॉप कंटेंट की वीडियो शो होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके चैनल के जो टॉप कंटेंट वीडियो शो होंगे उसे आपने टारगेट करना है, और उसी कंटेंट की वीडियो आपने अपने यूट्यूब चैनल पे आगे अपलोड करना शुरू कर देना है, ठीक है। देन इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो यहाँ पे देखिए और भी वीडियो शो हो रहे हैं। तो ये वो वीडियो है जो टॉप कंटेंट की वीडियो है, जिस वीडियो पे लास्ट 28 डेज में इस तरह से व्यूज आ रहे हैं और अभी भी इस पे व्यूज आ रहे हैं। तो आगे आपको अपने यूट्यूब चैनल पे इस कंटेंट की वीडियो लगातार अपलोड करना है, क्योंकि ये जो दिखा रहा है ये आपके YouTube चैनल के अनुसार दिखा रहा है। आपके YouTube चैनल पे किस तरह के कंटेंट की वीडियो रन करेगा, आपके चैनल पे ऑडियंस किस तरह के वीडियो को ज्यादा वाच कर रहे हैं, तो आपने उसी कंटेंट को टारगेट करना है और उसी कंटेंट रिलेटेड आपने अपने YouTube चैनल पे रेगुलर वीडियो अपलोड करना है। आप बैक आ जाइए, देन यहाँ ऊपर इंस्पायरेशन को सिलेक्ट कीजिए तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। देन स्क्रॉल करके नीचे आइए तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टॉप सर्चेज, तो इसके राइट साइड में एरो का मार्क है तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए काफी टाइटल्स हो रहे हैं जो टॉप सर्चेज की वीडियो है, इसे यूट्यूब पे ज्यादा से ज्यादा सर्च किया जा रहा है। तो ये मेरे चैनल के अनुसार शो हो रहा है। यदि आप अपना YT स्टूडियो ऐप ओपन करेंगे और यहाँ पे जाएंगे तो वहां पे जो टाइटल्स होंगे वो आपके चैनल के अनुसार होगा।
तो आपने इसको भी टारगेट करना है, क्योंकि वो आपके चैनल के अनुसार ही दिखाया गया है और ये यूट्यूब पे ज्यादा से ज्यादा सर्च हो रहा है, तो आपने इस टाइटल को लेकर के भी वीडियो क्रिएट करना है और रेगुलर करना है। तो यदि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए अपने यूट्यूब चैनल पे काम करते हैं, रेगुलर वीडियो अपलोड करते हैं, फिर आपका चैनल अनफ्रीज हो जाएगा, ठीक है, और आपके यूट्यूब चैनल के वीडियोज पे व्यूज आना शुरू हो जाएगा, व्यूज इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। मैं ये गार्डन में वीडियो क्रिएट करने के लिए आया हूँ, तो यहाँ पे चिड़िया बहुत सारे हैं, तो वो बीच बीच में आवाज करते रहते हैं, म्यूजिक सुनाते रहते हैं, वो आप भी सुन पा रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी आपको बताया, आई होप कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। फिर भी यदि किन्हीं का कोई क्वायरी, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, रिप्लाई अवश्य मिलेगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से इजीली आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, देन डीएम कर सकते हैं। आगे ये वीडियो आपको कैसा लगा पक्का कमेंट कीजिएगा, और यदि थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और जो फर्स्ट बार ज्वाइन किए हैं मेरे यूट्यूब चैनल और इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब इस वीडियो को करते हैं एंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।